इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए, हालांकि एक बात का ऐलान आज कर दिया गया कि अब 18 प्लस एज ग्रुप के जितने लोग होंगे, 1 मई से जो वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, अब उन्हें मुफ्त में वैक्सीनेशन दिल्ली सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस लिस्ट में दिल्ली का भी नाम जुड़ गया है। एम्स के कोविड टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर नवीत विग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। दो चीजें आपसे स्पष्ट तौर पर फिलहाल समझना चाहेंगे। वैक्सीनेशन का इंपॉर्टेंस अब हम सब समझ रहे हैं, सवाल उठाने वाले भी समझने लगे हैं। अब इसे फ्री कर दिया गया है, दिल्ली में 1.5 करोड़ तक की संख्या जो है वो इसका फायदा उठा पाएगी, कितना बड़ा रिलीफ ये आने वाले वक्त में दिल्ली के लिए हो पाएगा? और दूसरा, ऑक्सीजन को लेकर जो कॉन्सेंट्रेटर्स पहुंचे हैं उनका क्या रोल होगा, कब तक ऑक्सीजन बन पाएगा और इसकी सप्लाई हो पाएगी? देखिए, जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, जिस जिसको भी अलाउ किया गया है उसको वैक्सीन लेनी चाहिए और जब भी उसको मिले वो तुरंत वैक्सीन ले ले। जिसने अपनी पहली डोज अभी नहीं ली वो भी जाके ले ले, जिसको सेकेंड डोज लेनी है वो भी ले ले। वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक प्रिवेंटिव टूल है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि ये वैक्सीन आपको मदद करेगी 2 महीने के बाद, लेकिन हमें जरूरत अभी है। अभी हमें क्या करना है, हमें उस पर फोकस करना है। अभी हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है, हमें अपनी टेस्ट पॉजिटिविटी रेट को less than 5% लाना है। हमें सारे सिस्टम को यूज करके अपने टेस्ट पॉजिटिविटी रेट को नेक्स्ट 3 वीक्स में 5% से कम लाना है। उसके लिए हमें जो भी तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा तभी हम करेंगे। अगर हम ये तरीका करेंगे तो ब्रेक द चेन, हमारी नंबर ऑफ पेशेंट्स कम होंगे। हमारा सिर्फ एक ही एम है, नंबर ऑफ पेशेंट्स कम होंगे तभी अस्पताल, आपने जैसे भी अब दिखाया नंबर, हॉस्पिटल्स ओवरवेल्ड हैं, हॉस्पिटल्स ओवरवेल्ड है, हेल्थ केयर वर्कर ओवरवेल्ड है, ऑक्सीजन की कमी है। लेकिन उसको पूरा करने के लिए जैसे आपने बताया बाहर से मदद है, केंद्र सरकार और स्टेट की सरकारें आपस में मिलके एक नोडल ग्रुप बना हुआ है, वो तेजी से पूरा करने की जो कर रहा है। टैंकर्स को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है, जितने भी आपके मतलब सबको ऑक्सीजन सप्लाई जहां से होती है उसको भी स्ट्रीमलाइन करने के लिए मैनेजमेंट वो हो रही है, कोशिशें अब शुरू हो चुकी हैं, किया जा रहा है कि जल्द से जल्द हालात को सामान्य किया जाए। जी डॉक्टर साहब, जो आप कह रहे हैं कि ब्रेक द चेन की कोशिश अब की जा रही है और ये कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है, ब्रेक द चेन ही आंसर है। आपको चेन को ब्रेक करना पड़ेगा, नंबर्स को कम लाना पड़ेगा, तभी हम इस दुविधा से झूल पाएंगे। नहीं तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम कितना भी खड़ा कर लें, इतने बेड्स बढ़ गए, पूरे के पूरे अस्पताल कोविड अस्पताल बन गए, कितना हम उनको आगे बढ़ाएंगे, उनको चलाना मुश्किल हो रहा है। मतलब हेल्थ केयर वर्कर्स भी बीमार पड़ रहे हैं, मरीज भी बीमार पड़ रहे हैं और हमारी इकोनॉमी भी खराब हो रही है। बिल्कुल, और ब्रेक द चेन करने के लिए कितने भी नियम कायदे थोप दिए जाए, जब तक जनता खुद डिसिप्लिन नहीं हो जाएगी, इसे गंभीरता से नहीं लेगी, ये करना बहुत मुश्किल होगा। जनता को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, इनको आपस में अपना हर डिस्ट्रिक्ट में वॉर जोन बनाना पड़ेगा। उनको मैक्रो कंटेनमेंट और माइक्रो कंटेनमेंट करनी पड़ेगी। जब तक हम माइक्रो कंटेनमेंट और मैक्रो कंटेनमेंट दोनों मिलके नहीं करेंगे तो हमारा दर 5% भी, मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 1% से कम करना है तभी देश हमारा एकदम प्रोग्रेस करेगा। इतनी समय में हमें मतलब पूरी कोशिश करनी है कि किसी तरह से हम 5% कम ले आए। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेवारी है, हर डिस्ट्रिक्ट में पुलिस की जिम्मेवारी है कि मास्किंग 100% करें। किसी को हमें तंग नहीं करना है, किसी पे हमें अत्याचार नहीं करना है। हमें बड़े प्यार से इस टाइम कंट्री को शांत होने की जरूरत है। सोचो, समझो और बोलो, माइंडफुल, जैसे हमारे बड़े कहते थे कि माइंडफुल हो भाई, पहले मैं जो बोल रहा हूँ पहले सोचूं फिर बोलूं। बिल्कुल, और इसके लिए एक बहुत बेसिक सा सवाल है आपके लिए मेरे पास, वो ये कि आप कह रहे हैं कि हर एक को मास्क अप होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, लेकिन ये जो नया स्ट्रेन है क्या ये सिंगल मास्क से कंट्रोल में आ जाएगा? ऐसे बहुत मामले सामने आ रहे हैं कि मास्क लगाने के बावजूद, चाहे ड्रॉपलेट्स हो या एयरबोन हो, उसके जरिए ये फैल रहा है, तो डबल मास्किंग की इम्पोर्टेंस कितना हो जाती है ऐसे में? ये बहुत इन्फेक्शियस स्ट्रेन है, अभी तो लोग मास्क नाक के नीचे भून रहे हैं। आप अपना पहला मास्क लगाइए और ज्यादा डर है तो दूसरा भी लगा लीजिए, दोनों मास्क लगा के, लेकिन ढंग से लगाइए ताकि हवा लीक ना हो। अभी तो लोग मास्क ही नहीं लगा रहे और इसको एक दूसरे को, मुझे, मेरा शहर
में पॉजिटिविटी रेट कम, मेरे मोहल्ले में पॉजिटिविटी रेट कम, मेरे गांव में पॉजिटिविटी रेट कम, मेरे सामने वाले ने मास्क नहीं पहनाया तो मैं उसको बोलूंगा मास्क पहनाओ। ये हमें एक दूसरे से कंपटीशन करके मुझे अपने शहर मोहल्ले को बाहर निकालना है इस दुविधा से। मुझे किसी मरीज को अस्पताल नहीं जाने देना है। मैं तभी कर पाऊंगा अगर मैं स्ट्रिक्ट मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, स्ट्रिक्ट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मेरे को करना पड़ेगा। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है ऐसे हालात में जब रोजाना आंकड़े 3 लाख 3.5 लाख के ऊपर आने लगे हो, ये आप समझ सकते हैं डॉक्टर नवीद विग से जो इसका इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि चेन को तोड़ना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। और अभी की पॉजिटिविटी रेट को देखते हुए सर, एक चीज अच्छी ये भी है कि जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम है। और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कहा था कि इसे एक वायरस की तरह समझे, एक खौफ, एक पैनिक और टेंशन की वजह से भी लोग बहुत ज्यादा हालात बिगाड़ रहे हैं, तो ऐसे में वायरस ज्यादा खतरनाक है या नहीं ये भी समझाइए। देखिए 95% पेशेंट तो घर पे ठीक हो जाएंगे। आप टेलीमेडिसिन की फैसिलिटीज इतनी बढ़ा दीजिए देश में कि फोन पे ही डॉक्टर इलाज कर देगा। आएंगे जब नंबर इतना ज्यादा बढ़ गया है तो 5% में भी हॉस्पिटल्स ओवरवेलम्ड हो गए हैं। हमें समझना पड़ेगा, हमें इसको हैमर करना पड़ेगा बीमारी के नंबर कम करने के लिए, फिर धीरे धीरे खोलना पड़ेगा। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। हम कहते हैं लॉकडाउन लगा दें, लॉकडाउन लगा के फिर उसको खोलना है, बढ़ाना है, फिर लॉकडाउन करना है, फिर खोलना है, ये धीरे धीरे होगा। मतलब सप्रेस एंड लिफ्ट स्ट्रेटेजी देश में लानी पड़ेगी और एक साल के लिए लानी पड़ेगी। हमें प्रॉपर हमारी गाइडलाइंस नेशन ने, स्टेट ने इतने दिनों तक दी, स्टेट ने इतने दिनों तक बोला, कंट्री ने, सेंटर ने इतनी बार बोला, लेकिन नीचे वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? हमें सोचना पड़ेगा नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या किसी गांव लेवल पे या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा। बिल्कुल, रूल्स मतलब जितना बनाए जा रहे हैं उतना ही उसका इंप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर और एक बहुत ही बेसिक सा सवाल, आजकल हल्का सा जुकाम बुखार होता है तो हम देख रहे हैं कि लोग तुरंत अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, वहां भीड़ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक पैनिक सिचुएशन भी है कि कहीं ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए क्योंकि देश में किल्लत चल रही है। आप कह रहे हैं 95% लोग घरों में ठीक हो जाते हैं, तो ऐसे में कौन कौन अस्पताल के लिए निकले, किसे जरूरत नहीं है घर पर अपना इलाज खुद कौन कौन करा सकता है, किस टाइप के पेशेंट्स? मैं अभी दो बातों पे जा रहा हूं। एक तो हम टेस्ट करवाने के पीछे भी इस टाइम मत भागे। अगर मेरी फैमिली में एक जना पॉजिटिव है तो लाइकली है सभी पॉजिटिव होंगे, तो हम उनका उसी प्रकार से जैसे आप अपना घर में इलाज कर रहे हैं, पैरासिटामोल की गोली खा के, पानी लेके, भाप लेके, थोड़ा गर्म पानी पी के अपना इलाज करिए और अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। लेकिन जब छठे दिन या सातवें दिन या आठवें दिन आपका बुखार बढ़ रहा है और आपकी खांसी बढ़ रही है और आपकी सैचुरेशन कम हो रही है, तभी आपको अस्पताल में भागना चाहिए। लेकिन आप अपने डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहिए ताकि आपको जब जरूरत हो उस टाइम ही जाएं। अब भाई अस्पतालों पे हमें बोझ नहीं बनना है, हमें हेल्थ केयर वर्कर्स को सपोर्ट करना है। अस्पताल में इतना क्राइसिस है जी। मतलब हमें समझना पड़ेगा कि हमें सपोर्ट करके किसी तरह इस विपदा से अगले तीन हफ्ते के अंदर ऐसे मेजर्स लेने हैं कि हमें अपना पॉजिटिविटी रेट 5% से कम लाना है ताकि अस्पताल में और मरीजों का भी इलाज हो सके। बिल्कुल, और लोगों को ये समझना भी होगा कि अस्पताल पहुंचना भी इस वक्त उनके खुद के लिए सेफ नहीं है। अगर कुछ चांसेस हो कि वो कोविड पॉजिटिव नहीं है तो इतने भीड़ भाड़ में जाकर शायद वो और ज्यादा इन्फेक्शन मोड़ ले लें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीद विग जी, आपने जितने कायदे से समझाया कि लोगों को किस तरह से पैनिक नहीं होना और घरों में अपना ट्रीटमेंट जब तक कर सकते हैं करें, इस हालात में सबसे बेहतर सिचुएशन जो है वो वही होगा। शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। इधर कोरोना संकट पर मद्रास हाई कोर्ट ने आज चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई है। पूरी खबर बस एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।